लविंग फूड बुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। शाही पनीर की आज मैं आपको बहुत आसान और सिंपल रेसिपी बताऊंगी, जिससे कि आप घर पर आसानी से रेस्टोरेंट जैसा पनीर बना सकते हैं। चलिए बनाने चलते हैं शाही पनीर। शाही पनीर की यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाने चलते हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 250 ग्राम पनीर, 1 कप दूध की निकली हुई ताजा मलाई है, आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम का यूज कर सकते हैं, 1/2 कप फ्रेश दही है, 1/2 कप काजू, 1/4 कप खरबूजे के बीज, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, घी, मैं सब्जी ये घी में बनाऊंगी, टमाटर प्यूरी, मैंने 5 टमाटर यूज किए हैं, 250 ml दूध, अब खड़े मसाले, चौथाई चम्मच जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 चम्मच खड़ा साबुत जीरा, 6 लौंग, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 2 इलायची हरी और 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच लहसुन अदरक और 2 मिर्च का पेस्ट, 4 प्याज। सबसे पहले एक पैन में हम पानी को 1 कप पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें जो हमने काजू लिए हैं और ये खरबूजे के बीज लिए हैं इनको बॉईल करेंगे। संग में इसके मैं प्याज भी बॉईल करूंगी। ये प्याज इसमें हम डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। जब तक हमारा खरबूजे के बीज काजू और प्याज बॉईल हो रहा है तब तक हम ये पनीर है इसके टुकड़े कर लेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग पसंद के कर सकते हैं। देखिए हमारा ये मिश्रण बॉईल हो चुका है, अब इसको हम गैस बंद करके एक छान लेंगे। अब ये सारे जो प्याज वगैरह है इन सबको हम एक जार में अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में पीस के। देखिए मेरा ये पेस्ट पीसकर तैयार हो चुका है। अब हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और इसमें ये शुद्ध घी डालेंगे, क्योंकि ये शाही पनीर बना रहे हैं तो शाही पनीर बनाने में हमें सारी चीज़ अच्छी मात्रा में चाहिए और शुद्ध चाहिए, ये बहुत ही रिच बनती है। मैंने 2 बड़े चमचे शुद्ध घी लिया है। हमारा शुद्ध घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें ये तेज पत्ते डालेंगे, इलायची, हरी इलायची, मैंने ये हरी इलायची और बड़ी इलायची को अच्छी तरह से कूट के खोल दिया है, जिससे इसके दाने खुशबू आ जाए सब्जी में निकल आए बाहर। और ये जो भी गर्म मसाला है ये सारा हम इसमें डाल देंगे, खड़ा हुआ मसाला मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें ये हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था इसको डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें अपने प्याज के पेस्ट को अच्छी तरह से इसमें भूनना है जब तक ये चिकनाई ना छोड़ दे, गुलाबी ना हो जाए। अब इसमें ये हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम ये जो टमाटो प्यूरी मैंने बनाई थी ये डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से हमें भूनने तक पकाना है। इसी के साथ मैं इसमें ये हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और ये गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से भूनूंगी। हमें इसको तब तक भूनना है तब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे, ये थोड़ा सूख के गाढ़ा ना हो जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इस स्टेज पर हम ये जो हमारा दही है इसको डालेंगे और अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे।
अब दही के बाद जब दही मलाई इसमें ऐड करेंगे और इसको जल्दी जल्दी इस तरह से हिलाएंगे। इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। अब इसमें जब हमारी मलाई अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तब अब इसमें हम ये दूध मिलाएंगे और दूध को मिला के इसको अच्छी तरह से हमें चलाते रहना जब तक ये हमारा हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से खोलने ना लगे। दूध डाल के हमें ग्रेवी को इसी तरह से हिलाते रहना। यदि हम ग्रेवी को इस तरह से हिलाएंगे नहीं तो हमारा दूध इसमें फट जाएगा और सब्जी हमारी खराब हो जाएगी। हमारा पनीर अब इसमें हम डाल देंगे क्योंकि हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से खोलने लगी है। अब इसको पनीर को डाल के इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और अब इसमें लास्ट में हम सबसे लास्ट में नमक को ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। और शाही पनीर क्योंकि खट्टा मीठा खट्टा और संग में थोड़ा सा मिठास लिए हुए होता है तो इसमें मैं ये 1 चम्मच चीनी भी मिला रही हूँ। और इसको मिलाएंगे और 5 मिनट अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। देखिए हमारा शाही पनीर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे किसी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारी शाही पनीर तैयार है। यदि आपको मेरी ये शाही पनीर की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्न फूड बुक पर शेयर करें।